नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में बात करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग द रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अब पूरे भारतवासी, सिर्फ भारतवासी नहीं, पूरे दुनिया अभी बहुत ही परेशानी में है रिगार्डिंग इकोनॉमी, क्योंकि हर एक मुल्क का जीडीपी डाउन हुआ है, इंडिया का भी हुआ है, एंड चीज़ें महंगा हो गया है। एंड ये सब होते कैसे हैं? मतलब ये जो महंगाई बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें खरीदते हैं, उसका एक फिक्स प्राइस होता है, तो उसके ऊपर महंगाई क्यों बढ़ते हैं? दो तीन रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो टैक्सेबल पर्सन है वो ठीक तरह से टैक्स नहीं भरते हैं। मैं मान के चलता हूँ 100 में से 100% अगर टैक्स पेबल है, उसमें से 10 या 15% लोग टैक्स इधर उधर करते हैं, तो इसलिए महंगाई बढ़ाना पड़ता है। एंड इसके रिगार्ड में आता है इन्फ्लेशन। तो देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं पिछले कुछ दिनों से इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत सारे जर्नल, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत जो डॉक्टर रघुराम राजन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया है, तो इसके बारे में मैं बहुत सारे आर्टिकल्स, हाउ टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं। तो पढ़ के मुझे ये लगा कि अभी जो स्थिति है इसको हम रिवाइव ज़रूर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट तैयार किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप वो जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आप देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, एंड बहुत ही आसान भाषा में मैं लिखूँगा, लिखे हैं, तो आपको समझ में बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में ही प्रेजेंटेशन दूँगा, इंग्लिश और हिंदी में, एंड बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में मैं प्रेजेंट करूँगा आपके सामने। तो ये जो जीडीपी हम लोगों का डाउन हुआ है, इसका मुझे लगता है, मैं जो जर्नल और आर्टिकल्स पिछले कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, इसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि हमारे देश में जो डिमोनिटाइजेशन हुआ था एंड जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उसके बीच थोड़ा सा गैप और होना चाहिए था। मतलब जो गैप हुआ है वो बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को यही लगता है, एंड नो डाउट इट इज अ ट्रू फैक्ट। एंड जो हमारे ओवरऑल डिमांड है, सब कुछ उसका थोड़ा डिमांड कम हो गया है, मतलब अभी डिमांड बहुत ही कम है, क्योंकि प्रोडक्शन अभी बंद है। मतलब इस साल नहीं, सिर्फ मैं पिछले साल की भी बात कर रहा हूँ, तो जो ओवरऑल डिमांड है वो कम हुआ है, एंड थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हुआ है पिछले कई सालों में, इसलिए बहुत सारे एग्रीकल्चरल लॉस हुआ है, इसके लिए एग्रीकल्चरल क्राइसिस बन गया है। एंड जो रियल एस्टेट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट, वो भी डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि पिछले जैसा रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि वैल्यू नहीं मिल रहा है उतना सा। तो ये मुझे लगता है कि मैं पढ़ के ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट हूँ कि मैं खुद से बोल दूंगा। मैं जो जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जो जो टॉप इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया है उसके आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है, एंड उसमें से दो जो लोग हैं उसका आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ,
बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो देख लीजिए जो जो पॉइंट मैंने तैयार किए हैं आपको कैसा लग रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ये हो सकता है शायद, मैं बार बार टर्म यूज़ कर रहा हूँ शायद, ये इम्प्लीमेंट करने से शायद वी कैन रिवाइव आवर इकोनॉमी, मे बी, आई एम नॉट टेलिंग दैट ये करने से ही हो जाएगा, पर हो सकता है, क्योंकि हम 130 करोड़ इंडियन, हम अपने आप बिना लड़के अगर एक साथ खड़े होके देश की तरक्की के बारे में सोचे तो ज़रूर वी कैन रिवाइव आवर इकोनॉमी। ये मेरा मैसेज है पूरे देशवासी के लिए। तो चलिए देखिए जो मैं पॉइंट आपके लिए तैयार किए हैं उसको थोड़ा देख लीजिए।
तो यही था इंडियन इकोनॉमी एंड जीडीपी एंड इन्फ्लेशन के बारे में। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको अगर कुछ और जानकारी है तो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा नॉलेज लिमिटेड है। मैं ये बोल रहा हूँ आपके आपके सामने, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मैं ये आपके साथ, फिर भी मैं अभी इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च मतलब पढ़ रहा हूँ, ऑफ वेरियस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से मुझे ये लगता है, तो ये करने से शायद वी कैन रिवाइव आवर इकोनॉमी। एंड यही था आज के वीडियो का टॉपिक। एंड वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद।